मुझे आपसे तारुफ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत, और सबसे बड़ी बात, आदमी खाना खा के तृप्त नहीं होता, आदर मान और सम्मान से होता। देवता न काठ की मूर्ति में, ना मिट्टी की, भावना में विद्यमान। और यदि सच पूछो, मैं महादेव का भक्त हूं। आज ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई तिनका यमुना में बहता हुआ या नर्मदा माई में बहता हुआ किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे नवजोत सिद्धू आपके बीच में आ गए। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहे युगों से कहीं बेहतर है। और खासतौर पे आज तारीफ भी मुझे जितनी हो गई है, मैं डॉक्टर भी बन गया, डॉक्टर लारी ने मुझे बुजुर्ग भी बना दिया, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मतलब इतना कुछ बन गया, जो विक्रम वेताल वाली कहानी याद आ गई, मैं उड़ू वो हालत होगी। लेकिन फिर भी आपका खैर मकदम करना हमारा फर्ज है। और मुझे राज कपूर साहब का कहा हुआ एक फिक्रा याद आ रहा है आप सबके लिए, कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यार। आप हमें जान से प्यारे हैं, आपका खैर मकदम, आपका स्वागत। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो कुछ मैं आज हूं, जो कुछ मैं बन सका, उसका कारण, उसका स्रोत मेरी मां, मेरी बहन और मेरी बीवी। और शायद प्रमाणित करने से कुछ हासिल भी नहीं होता, यह कहने से यदि औरत ये है, औरत वो है। सूरज कभी प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण होता है। बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो। इसलिए प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं, मेरे घर में मेरी घरवाली ही चलती है। ठोको ठोको ताली ठोको, प्रमाणित करने की क्या जरूरत है। यहां मालिक साहब बैठे हैं, पात्र साहब बैठे हैं, पूछो चाहे कितने बड़े बबर शेर हो, घर जाकर न्यू न्यू करते ठोको ताली। क्या प्रमाणित करना है आपने, हमें बताओ तो सही, प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं है। आप समंदर हो, अलग अलग नदियां, अलग अलग रास्तों से अलग अलग तरह बहती हुई एक मंजिल की तरफ जाती है। आप सिकंदर हो, दिलों को जीतने वाले। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। बात तो है, इसलिए मैं इस मुकद्दस दिन का खैर मकदम करता हूं। और खास तौर पे जब से पात्र साहब ने ये कार्यभार संभाला है, उत्तरदायित्व तो योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है, मानो इस एकेडमी को किसी पारस ने छू लिया। पारस जब किसे छूता है, कैसी भी चीज हो उसमें गौरव का संचार हो जाता है। चीज मैली हो, धूमिल हो, तो वो उज्जवल बन जाती है, और जो तुच्छ हो वो अनमोल बन जाता है। पारस साहब वैसे, पात्र साहब वैसे ही पारस हैं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और पात्र साहब का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आज पहली बार अंतरराष्ट्रीय
एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहां हो रही और लैरी डॉक्टर लैरी जैसे दिग्गज यहां बैठे अलग अलग देशों विदेशों से माननीय सम्माननीय गण यहां आए, इससे हमारा गौरव बढ़ता है। कहते हैं पानी को दूध में मिला दो तो पानी दूध के भाव बिकता है, इसलिए आपकी संगत में मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं। पात्र साहब का धन्यवाद कर रहा हूं, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलता रहूं, लेकिन इतना कहूंगा कि मेरी बहन ने मुझे मेरी मां के बारे में कहानी सुनाई। आज मेरी बहन नहीं है,